हेलो ऑल इंजीनियर्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्काडा क्या होता है और स्काडा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्काडा की फुल फॉर्म से। जो स्काडा वर्ड है उसकी फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, अगर हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं तो वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि स्काडा के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्काडा क्या होता है। स्काडा एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर या इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहता है, जिसकी हेल्प से हम किसी प्लांट, प्रोसेस या मशीनरी को सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और जो स्काडा होता है वो किसी न किसी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है। वो कंट्रोल सिस्टम पीएलसी बेस्ड हो सकता है, डीसीएस बेस्ड हो सकता है, एम्बेडेड बेस्ड हो सकता है। तो जो स्काडा वर्ड है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के कॉम्बिनेशन से बना है। सुपरवाइज का मतलब होता है किसी भी टास्क को मॉनिटर करना, कंट्रोल का मतलब होता है कि उसको कमांड देना, डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है कि डेटा कलेक्ट करना। तो आइए इन फंक्शंस को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, उसके बाद एक स्काडा वीडियो की हेल्प से इन फंक्शंस को करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इन फंक्शंस को स्काडा में परफॉर्म करते हैं। सुपरविजन। सुपरविजन में हम अपनी प्रोसेस या प्लांट को किसी रिमोट लोकेशन से या फिर कंट्रोल रूम से सुपरवाइज करते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं। तो इस स्काडा की हेल्प से जब भी किसी मशीनरी या प्लांट को सुपरवाइज करते हैं तो हम डायनामिक ग्राफिक्स का यूज करते हैं, जिससे हम प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंट्रोलिंग। स्काडा के इस फंक्शन की हेल्प से किसी भी प्रोसेस या मशीनरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हम स्काडा की हेल्प से किसी भी फील्ड डिवाइस या फिर एक्चुएटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। तो अब तक हमने वीडियो में स्काडा के जो फंक्शंस होते हैं उनमें से सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग को डिटेल में समझा। तो अब हम स्काडा वीडियो की हेल्प से देखेंगे ये जो सुपरविजन और कंट्रोलिंग होते हैं वो स्काडा सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक टैंक है। तो इस टैंक में हम दो लिक्विड को फिल करेंगे। पहला लिक्विड इनलेट वाल्व 1 से आएगा, दूसरा लिक्विड इनलेट वाल्व 2 से आएगा। तो जब इन दोनों लिक्विड को इस टैंक में फिल करेंगे तो टैंक में लिक्विड का लेवल बताने के लिए हमारे पास 3 लेवल स्विच हैं। ये वाला लेवल स्विच हमें लो लेवल बताएगा, ये मीडियम लेवल बताएगा और ये हाई लेवल बताएगा। तो जैसे ही लिक्विड का लेवल हाई लेवल सेंसर तक पहुंचेगा तो हमारी जो फिलिंग हो रही है टैंक में वो स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस में हमारा ये स्टिरर है दोनों लिक्विड को ठीक से मिक्स कर देगा। जब दोनों लिक्विड ठीक से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास जो ड्रेन वॉल्व है इसकी हेल्प से हम लिक्विड को ड्रेन कर देंगे। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे पास ये लेफ्ट में 2 पुश बटन है। तो ये वाला पुश बटन है ग्रीन वाला प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए है और रेड वाला पुश बटन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए है। तो आइए समझते हैं स्काडा में जो हम डायनामिक ग्राफिक्स की बात करते हैं तो उन डायनामिक ग्राफिक्स में किसी भी प्रोसेस को कैसे दिखाया जा सकता है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं पहले वॉल्व से लिक्विड फिल होता है, उसके बाद दूसरे वॉल्व से लिक्विड फिल होता है। जैसे ही लिक्विड का लेवल हाई लेवल पहुंचता है हमारा मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मिक्सिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ड्रेन वॉल्व की हेल्प से लिक्विड को ड्रेन कर सकते हैं।
तो आपने देखा किस तरह से हमने किसी प्रोसेस को डायनामिक व्यू दिया, जिससे आप इजीली देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है किस स्टेज पर है। ठीक है ना, आप लिक्विड को फिल होता देख पा रहे हैं और जो हमारे लेवल स्विच हैं वो वन बाई वन ऑन हो रहे हैं जैसे जैसे लिक्विड का लेवल वहां तक जा रहा है, और स्टार्ट स्टॉप बटन की हेल्प से हम प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप कर पा रहे हैं। तो यहां आप समझ गए होंगे किस तरह से हम स्काडा की हेल्प से किसी भी प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब तक हमने समझा जो स्काडा के दो फंक्शन होते हैं, सुपरवाइजरी और कंट्रोल, वो कैसे काम करते हैं। आगे हम देखेंगे जो स्काडा का थर्ड फंक्शन है, डेटा एक्विजिशन, वो कैसे काम करता है। तो डेटा एक्विजिशन की अगर बात करें तो डेटा एक्विजिशन के थ्रू जो हमारा स्काडा होता है वो हमारे जो फील्ड सेंसर्स होते हैं या फिर एक्चुएटर्स होते हैं उनका जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है। तो आइए बात करते हैं जो डेटा कलेक्ट करता है उसका करता क्या है स्काडा। तो जो डेटा कलेक्ट करता है उसकी हेल्प से जो स्काडा होता है वो अलार्म्स, वार्निंग्स, ट्रेंड्स या फिर रिपोर्ट्स जनरेट करता है। जैसा कि आप जानते होंगे अलार्म्स होता है जैसे किसी टेम्परेचर का सेट वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर जो टेम्परेचर है 100 को क्रॉस कर जाता है या 100 से ऊपर जाता है वो उसके लिए वार्निंग या फिर अलार्म होगा। तो इस तरह के पॉपअप दिखाता है स्काडा। इसके अलावा जो ट्रेंड्स होते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पैरामीटर की वैल्यू होती है। तो ट्रेंड्स होते हैं वो भी स्काडा में दो टाइप के होते हैं, रियल टाइम और हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल में हम ये देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर किसी टाइम पर किसी पैरामीटर की वैल्यू क्या थी। जैसे टेम्परेचर की बात करें, अगर किसी हीटर का टेम्परेचर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखना चाहें तो वो स्काडा में ट्रेंड फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। और स्काडा जो रिपोर्ट जनरेट करता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में जनरेट कर सकता है, जैसे एक्सेल शीट हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है। अभी हमारे सामने स्काडा की किसी स्क्रीन का वीडियो है जिसमें एक रिएक्टर बैच दिखाया गया है और उसके पैरामीटर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और लेवल दिखाए गए हैं। तो इनमें से किसी भी पैरामीटर की वैल्यू आउट ऑफ लिमिट जाती है या सेट वैल्यू से एक्सीड करती है तो उसके नीचे जो स्टेटस नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है वो अलार्म लिखा हुआ आने लगेगा और बैकग्राउंड में कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही राइट साइड में आप देख रहे होंगे दो ग्राफ हैं जिसमें से एक टेम्परेचर और लेवल का है और दूसरा है वो बता रहा है कि जो हमारा बैच है, रिएक्टर बैच है, वो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है। साथ में आपको ये भी याद रखना है जो स्काडा होता है उसमें रेड या ग्रीन कलर मोस्टली कब यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर होता है उसकी हेल्प से स्काडा में हम किसी भी डिवाइस को दिखाते हैं कि वो ऑन है या फिर हेल्दी स्टेट में है। दूसरा जो रेड कलर होता है उसकी हेल्प से हम दिखाते हैं कि कोई डिवाइस ऑफ है या फिर अलार्म स्टेट में है। तो इस तरह से हम कलर्स का यूज करके भी स्काडा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। स्काडा सॉफ्टवेयर्स, वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे स्काडा सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं लेकिन ज्यादातर यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स के नाम यहां दिए गए हैं। पहला है RSView, दूसरा है सीमेटिक विन CC, तीसरा है इनटच, चौथा है फैक्ट्री स्टूडियो, पांचवा है सिंप्लिसिटी। फीचर्स ऑफ स्काडा, ये स्काडा के कुछ मेन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम स्काडा को इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पहला है डायनामिक व्यू और प्रोसेस। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को डायनामिक दिखा सकते हैं जिससे हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेटा का फ्लो या फिर जो हमारा सीक्वेंस है उसको समझ सकते हैं इजीली। दूसरा है ट्रेंड्स। तो स्काडा की हेल्प से हम रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें
प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। तीसरा है अलार्म्स एंड वार्निंग्स। इस फीचर की हेल्प से हमारी जो लिमिट सेट होती हैं या फिर पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो डेटा एक्सीड करता है, आउट ऑफ लिमिट रहता है, तो हम स्काइडा में अलार्म्स एंड वार्निंग्स दिखा सकते हैं। चौथा है रेसिपी मैनेजमेंट। तो स्काइडा की हेल्प से हमारे जो प्रोडक्शन होता है उसमें डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमको प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प मिलती है। पांचवा है रिपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। तो रिपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी में हम जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं किसी प्रोसेस के, सपोज किसी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका जो फ्लो रेट है, तो उसका जो फ्लो रेट है वो क्या है, और उसका टेम्परेचर है वो क्या है, वो लिक्विड किस टाइप का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट की फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं स्काडा की हेल्प से। छठा है यूजर सिक्योरिटी। तो यूजर सिक्योरिटी की हेल्प से जो स्काडा का ऑपरेटर होता है उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स को चेंज कर सकता है। सेवन नंबर, एबल टू कंट्रोल ए प्रोसेस फ्रॉम रिमोट एरिया। तो स्काडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्काडा है वो मशीन के पास होना चाहिए या प्लांट में होना चाहिए। जो हमारा स्काडा है किसी भी रिमोट लोकेशन पर हो सकता है, अदर सिटी में हो सकता है या अदर कंट्री में हो सकता है, और हम वहाँ से ही किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये कुछ स्काडा के एप्लीकेशन एरिया हैं जहाँ पर स्काडा यूज किया जाता है या यहाँ पर स्काडा को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फ्यूचर में इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।